हाय दोस्तों, फिर से आ गया हूँ शेफ सतीश fastfood.com से। आज मैं आपको कुछ डिफरेंट दिखाने वाला हूँ। यह है आलू चॉप मुड़ी माखा। आलू चॉप आपने तो सुना होगा, आलू चॉप और आलू बोंडा, बटाटा वड़ा, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से खाते हैं और बोलते भी हैं। मुड़ी माखा आपने पहली बार सुने होंगे, होपफुली। जस्ट लाइक मुड़ी माखा जो है, मुड़ी यानी पफ राइस और माखा मतलब मिक्सिंग, आलू चॉप, चॉप मतलब फ्रिटर, और जस्ट लाइक फ्राइड डम्पलिंग। तो इस दोनों का कम्बिनेशन काफ़ी अजीब है एंड डिफरेंट है, मज़ा आता है लिटरली खाने में। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू चॉप विथ मुड़ी माखा। तो आलू चॉप हम बनाने जाएंगे, इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है। है तो आलू, लेकिन अलग अलग तरीके से हम उसको खाते हैं। इसका कैसे डिफरेंस है, क्योंकि इसमें जो है कोई ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं, लाइट एंड माइल्ड रहता है, लिटरली बहुत ही मज़ा आता है। चले हैं दोस्तों, चलते हैं, चले बनाएं आलू चॉप। देखिए ये है पफ राइस, तो ये पफ राइस के साथ में पसंद करते हैं इसे खाना। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आलू चॉप बनाना। यस, पहले लेंगे हम ऑयल। या ये हो गया ऑयल। अब इसमें हम डालेंगे चॉप ग्रीन चिली, चॉप जिंजर एंड गार्लिक। इसे जो है हम, आपके पास अगर घर पे होम जस्ता है तो उसमें भी आप जो है उसको स्मैश कर सकते हैं, जो रफली चॉप हो सकता होता है, क्योंकि इसे जो है हमें प्योरे नहीं चाहिए, ये चाहिए दरदरा होना चाहिए। दरदरा जब होता है तो मुंह में हल्का सा अदरक का जब टेस्ट आता है तो मज़ा आ जाता है। ये देखिए, वाह, ये बढ़िया सा कलर आ रहा है। ये देखिए, अब इसमें हम डालेंगे मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, जस्ट हाफ टी स्पून डालना है आपको। ये है धनिया पाउडर और ये है जीरा। बस ये हो गया। अब इसे हम स्टेयर करते हैं और हल्का सा हम पानी डालेंगे इसमें, सो दैट मसाला जो है वो आपका जलेगा नहीं। पानी डालने से कलर अच्छा रहता है, प्लस मसाला आपका जलता नहीं है। इसमें एक खासियत है, इसमें हम पीनट और कोकोनट ये डालते हैं। पीनट यानी मूंगफली और नारियल, ये दोनों को जो है थोड़ा मसाले के साथ में हम डालेंगे, सो दैट एक मीठापन आता है इसमें। और जब नारियल जब जाता है आलू चॉप के साथ में, तो एक खाने समय जो एक क्रंच आता है वो मजा ही आ जाता है लिटरली। ये हो गया, वाह ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, सो दैट मसाला के साथ में ये अच्छा ब्लेंड हो जाएगा और हम
आलू डाल देंगे इसमें। अब ये देखिए अपने पास रेडी है मैश किया हुआ आलू पोटैटो। ये हो गया आलू, मैं पोटैटो डाल दिया। हम डालेंगे इसमें नमक, अब इसे हम चलाएंगे। देखिए वाओ, अब इसमें हम थोड़ा हम डालेंगे धनिया पत्ता फ्रेश कोरिएंडर। वाओ ये देखिए, ये देखिए ये मसाला तैयार हो गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बैटर बनाते हैं। उसके लिए हमें लेना होगा ये देखिए बेसन, ये देखिए बेसन, और मैं डालूंगा राइस पाउडर जस्ट लाइक 4 स्पून ली, अगर 8 स्पून आपने बेसन लिए तो आप उसमें 1 टीस्पून आप राइस फ्लावर डाल सकते हैं, सो दैट राइस फ्लावर से एक क्रिस्पीनेस कोटिंग क्रिएट होता है, तो वो आपको खाने में बहुत अच्छा क्रंच आता है, वो काफ़ी मज़ा आता है। और मैं डालूँगा पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर, थोड़ा रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी, और पिंच ऑफ जीरा पाउडर, और सॉल्ट तो डालना भूल गए। ये रहा अपन थोड़ा बैटर में सॉल्ट, क्योंकि मसाला में भी सॉल्ट है इसलिए बैटर में लाइट सॉल्ट रखेंगे। ये देखिए लगभग तेल गर्म हो चुका है। अब जो है ये जो मसाला है था उसको हम डिवाइड कर दिए हैं, अब इसे हम थोड़ा फ्लैट कर देते हैं, क्योंकि ये फ्लैट करने से उसको बैटर में डीप करके फ्राई करने के लिए इजी होता है, और जब मुरमुरा के साथ खाते हैं, मुढ़ी के साथ खाते हैं, तो इसको होल्ड करने के लिए बहुत ईजी रहता है, इस वजह से हम इसे फ्लैट कर देते हैं। अब हम इसे फ्राई करते हैं, टेम्परेचर लगभग आ गया है 1 क्योंकि ये खुशबू जो है ऑटोमेटिकली एक जीरा का, नारियल जो डाले हैं उसका, और आपका हल्दी, एक कॉम्बिनेशन जो आ रहा है, और इसमें एक बढ़िया सा एक अरोमा क्रिएट हो रहा है। अब जो हम इसे मुरमुरा के साथ खाएंगे, ये देखिए मुरमुरा ट्रेडिशनल वहाँ का ये है, जस्ट लाइक नारियल मुरमुरा एंड आलू चॉप, उसके साथ ये खाते हैं, शानदार मज़ा आएगा। ये देखने देखिए आ
आपका ये आलूर चॉप रेडी हो गया है। अब ये देखिए जस्ट लाइक आलूर चॉप के साथ में कॉम्बिनेशन है, वो खाते हैं वहाँ पे प्याज कुकुम्बर उसके साथ होना चाहिए, एक मिर्ची तीखापन के लिए थोड़ा, क्योंकि आलू चॉप जो है हम बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बनाए हैं तो उसको एक बैलेंस करने के लिए साथ में ये खाते हैं, और साथ में चटनी खाते हैं हर फ्राइड आइटम के साथ में। तो वहाँ पे जो खाते हैं वो कासुंदी खाते हैं, मस्टर्ड सरसों को पीस के बनाते हैं कासुंदी, जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर होता है। तो मैंने जो बनाया हूँ ये आम कासुंदी यूज किया हूँ, आम मैंगो और मस्टर्ड को मिक्स करके एक चटनी बनाते हैं, दैट इज आम कासुंदी। ट्राई कीजिए आप बना के, मजा आएगा। प्लस जो मुड़ी के साथ खाते हैं वो आपको मैं शो करना चाहता हूँ। ये देखिए ये है मुड़ी पफ राइस, दिस जस्ट यू कैन सी सो पफ राइस, साथ में मैंने लिया हूँ कोकोनट, उसमें हम डालेंगे चॉप कुकुम्बर। ये देखिए चॉप कुकुम्बर, अब इसमें हम यूज करेंगे मिर्ची क्वाइट, ऐसा ये है कि वो स्पाइसी नहीं बनाते कोई चीज, लेकिन साइड से हम लेते हैं एक्स्ट्रा स्पाइसी, जिस खाना है तो वो साथ में हरी मिर्ची ले सकते हैं। ये है हरी मिर्ची और इसके अंदर हम डाल दिए आलू चॉप। ये देखिए ये कॉम्बिनेशन है, आप शाम का नाश्ता चाय के साथ, मजा आ जाए। थैंक यू।